हम खुश हैं कि गुलमर्ग को चूज़ किया गया है इस इवेंट के लिए। गुलमर्ग तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में मशहूर है, इससे और भी चार चांद लग जाएगा गुलमर्ग को। भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया सेटिस्फाई पे हम, क्योंकि जो मोदी साहब है खुद एबीसी ग्रुप से है, हम भी एबीसी ग्रुप में है जो पोनी वाले हैं गुलमर्ग के। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्यों ऐसी सरकार हमने ना देखी है, ना ऐसा डेवलपमेंट हमने देखा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये सरकार में हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह G20 की वजह से डेवलपमेंट हो रही है, और जो सिया लोग हैं, सिया लोग भी अब बिना डरे हुए यहाँ पे आ रहे हैं। कि एक तो गुलमर्ग जो पूरा डेवलपमेंट हो गया, अब रोड देखिए, अब पार्के देखिए, बहुत अच्छा हो रहा है। इससे G20 से टूरिस्ट भी बहुत, मतलब हर जगह से टूरिस्ट आएंगे, यूरोप से, अपने इंडिया से बहुत लोग आएंगे। सारे काम 80% काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो काम जिसमें हमें थोड़ा सा टेम्परेचर की ज़रूरत थी, जैसे मैग्नमाइजेशन है, जैसे क्रैश बैरियर्स हमें लगाने हैं, या थर्मोप्लास्टिक पेंट करना है हमें मैग्नमाइजेशन के बाद, उन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए था, वो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। 15-16 तारीख तक सारे काम जो हैं हमारे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी एज़ वेल एज़ गुलमर्ग गंडोला के कम्प्लीट होने हैं।